हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है जॉगिंग करते करते बहुत दूर निकले, कम से कम 1.5 किलोमीटर। वहाँ से हमने बर्फ़ ली और मैंने बहुत सारी बर्फ़ आज सुबह सुबह ही खा ली थी, मॉर्निंग में ही, जो कि 1.5 किलोमीटर तक वापस चली। और उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइजेस वगैरह सब कुछ कर दिया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। आज 9 बजने वाले हम लोग आ रहे हैं वॉक करके, योगा करके। और आज हमें बहुत मजा आया क्योंकि आज हमने एटलीस्ट 2 आवर्स स्पेंड किए हैं। बिल्कुल, संडे था, आज संडे था, तो हम लोगों ने सोचा कि खूब मस्ती करते हैं सुबह सुबह। मस्ती भी हुई साथ में, क्यों सब कुछ। तो ऐसी बात है, हम चल पड़े अब घर की ओर। अब बनाएंगे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर देखेंगे क्या बनता है। कपड़े कपड़े धोएंगे आज, तो अब मिलते हैं आपसे किचन में। घर में आके मैंने बनाई मक्खन की बेड़े वाली रोटी, जो कि आप मैंने कल शाम को ही मक्खन निकाला था, उसकी रोटी बनाई, क्योंकि शौर्य को बहुत पसंद है, शौर्य के पापा को भी पसंद है। तो ये मैंने रोटियां बनाई, इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी स्टफिंग डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा जो है बाहर निकल जाती है। हाँ, आप चाहो तो ऊपर से डाल सकते हो मक्खन खाते हुए, बाकी मैं तो नहीं डालती हूँ, इतना ही इनफ है। तो ये ब्रेकफास्ट रेडी। तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग चल पड़े हैं खेत। डेविड और शौर्य निकल गए हैं आगे और मैं जा रही हूँ पीछे पीछे से। कुछ गिल्टू वगैरह भी नहीं लाया, खाली है बिल्कुल, नहीं तो थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ पड़ी थी बीच बीच में, जैसे ये है प्रूनिंग के बाद की, घर ही नहीं लेके गए। नीचे आते तो याद नहीं रहती, ऊपर जाते हुए तो याद आ जाती, फिर करना क्या। तो ऐसे 2-3 जगह है। तो अभी जो है हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने थोड़ा बहुत झाड़ू लगा दिया, पर बर्तन रहते हैं करने को, बर्तन नहीं किए। और आज मौसम हो रहा है बहुत ख़राब, वैसे तो पता नहीं स्नोफॉल का दे रहा था ये, आज मैंने वेदर चेक नहीं किया, 1-2 दिन में स्नोफॉल का था, पता नहीं अब। कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो चलो मिलते हैं आपसे। और यहाँ पे शौर्य रो रहा है, ये जो कटिंग करने के लिए कैंची बोल के लिए। और फिर जाते जाते हम लोग पहुँचे अपने खेत के लास्ट कोने पे, जहाँ से दीदी का घर दिखता है। ये जो है सेब का पेड़ है, पौधा है, मतलब इसमें जो है जो एक्स्ट्रा, मतलब इसकी जड़ से निकलती है ये भी, मतलब शूट बोलते हैं इसको। तो हम लोग जो है इसको कट करने आए थे। इनको काटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर अगर ये बढ़ गए तो ये ग्रोथ खुद ले लेते हैं, और सेब के लिए जो है कुछ न्यूट्रिशन नहीं जाता है। तो फिर हम लोग, मैं और शौर्य चल पड़े थे घर, क्योंकि शौर्य रो रहा था, लॉलीपॉप खाना, ऑरेंज खाना, कुछ फिर नखरे मारा था, फिर ऊपर घर ही नहीं आ रहा था ये एक्चुअली। फिर घर पहुँचे, घर में मैंने इसको जो है फ्रूट्स वगैरह दिए, और इसको डरा डरा के लाया है यहाँ तक भी ना। तो शौर्य को फ्रूट्स वगैरह खिलाने के बाद फिर हम वापस पहुँचे खेत में लहसुन लगाने, और टाइम हो गया था, मतलब 1 बजने वाले थे, 12:30 से ऊपर हो गया था टाइम। ये है जी सरसों, जो पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं, ये देखो ये सरसों है, इसमें है ये जो है एक बीमारी टाइप है, होती तो ये फंगस है, मतलब कीड़े हैं एक टाइप के, ये जो है ना अगर पौधे के नज़दीक हो तो पौधा ख़राब कर देते हैं, तो इसलिए ये उखाड़ने पड़ते हैं। पर उतनी गर्मी नहीं थी इस बार, पर फिर भी देखो ये कीड़े बहुत ज़्यादा लग गए हैं इसमें। ये तो फिर भी छोटे छोटे हैं, इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े कीड़े लग गए हैं इसमें। तो मैं आई हूँ लहसुन लगाने खेत, ये घर में थी यूज के लिए, देखो इतने इतने ऊपर कलियां
कल यहाँ निकल के आ गई है, तो मैं सोचा ये वेस्ट हो जाएगी क्योंकि नीचे को तो ये फिर उसमें ना तो वो लहसुन वाला वो है, खाली सी हो गई है ऊपर आके। तो मैं ना तौलिए में लगा रही हूँ, मैंने कभी लगाई नहीं तौलिए में, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि गोबर खाद भी मैंने डाल रखा है, गोबर मतलब गाय का ही। तो देखती हूँ इस बार कितनी होती है नहीं होती है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर उस हिसाब से लगाएंगे। बाकी तौलिए की तो वैसे बार बार सफाई करनी पड़ती है, तो उस चक्कर में मैंने लगाए रखी है ये कि उसी बहाने जो है सफाई भी हो जाएगी। तो अभी थोड़ी सी रहती है लगाने को, बाकी मैंने एक ये जैकेट ये है सरसों, आपने तो देखा नहीं होगा। जोक ऑफ द डे, इसमें लग गई है बीमारियां तो मैंने उखाड़ दिया है। ये बीमारी मीन्स की कीड़े, पता नहीं आपको दिख रहे होंगे कि नहीं, ये देखो जो ब्लू सा हो गया है थोड़ा सा, ये तो ये बीमारी के कीड़े लगे हैं मोटे, तब ये निकाल के फेंक रही हूँ क्योंकि सेब में लग जाएगी बीमारियाँ। चल चल बागू, आ रही है मम्मा, जा रही है, हैंडू दे दे मम्मा के पास। क्या बोल रही हो? मैंने काम किया था। इतनी सारी काम किया आपने, वाह। तो ग्राउंड में मैच लगे थे, फिर हम लोग जो है लहसुन लहसुन लगाने के बाद फिर आए घर, और शौर्य भी बेचारा आज खोद खोद के भी थक गया। और फिर घर आने के बाद फिर मैंने तड़का लगाया, थोड़ी सी दाल बची थी, थोड़े से मैंने मतलब दो तीन दिन पहले चने बनाए थे तो फ्रिज में रखे थे चने बिना तड़के, और चावल भी बना दिए थे। हम जा रहे हैं मैच देखने, शौर्य चल पड़ा है, अब मैं भी जाती हूँ, मिलते हैं आपसे बाद में। तो भैया बना रहे थे पकौड़े, भैया मीन्स शौर्य के ताऊ जी, तो फिर हम लोग आए थे थोड़े से पकौड़े लेने। शौर्य को पकौड़े बहुत पसंद है, ये बार बार आता है यहाँ से खाने और लेके चला जाता है। तो ये बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे टूर्नामेंट लगे हैं तो उन मतलब जो भी टीमें आती हैं तो है नहीं है कुछ प्रबंध खाने खुने का, तो ये भी बहुत अच्छा है वो है कि चलो उनको भी चाय पानी का जुगाड़ हो जाता है भैया के थ्रू। तो हमने ले गए यहाँ से पकौड़े थोड़े से शौर्य के लिए, बाकी मैं और डेविड खाते तो हैं पर उतना ज़्यादा नहीं। फिर घर में आके जो है मैंने डेविड के लिए चाय बनाई क्योंकि उनको जाना था शादी में, और चाय वगैरह पीने के बाद ये निकल गए रामपुर में हेड कॉलर में एक्चुअल शादी, तो वहाँ के लिए निकले हैं ये, और इनके साथ और भी लोग थे। डेविड के जाने के बाद जब डेविड निकले मतलब शादी के लिए, तो उसके बाद जो है मैं आई, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद जो है मैं घर के पीछे स्कीपिंग वगैरह की और थोड़ी देर, और स्कीपिंग करने के बाद फिर मुझे याद आया कि टफी को रोटी बना देती हूँ, फिर मैंने टफी के लिए आटा गूंदा जो कि थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ी सी रोटी मैंने बना दी, फिर मैंने उसको खाना खुना दिया। और टफी को खाना खुना देने के बाद हम लोग गए दूधू के लिए, तो दूध लेके मैं आ गई हूँ, थोड़ा बहुत सामान रहता है, ये शंकटे वगैरह है और हमाम बकेट्स वगैरह है, और मौसम देखो बहुत ख़राब है। ये सामान जो है मैं पैक कर देती हूँ मतलब, ताकि अगर बारिश हो तो भीगे नहीं। फिर उसके बाद जो है आटा तो गूंदा गया, आज डेविड जो है शादी में चले गए हैं, तो खाना खाना तो क्या ही बनाना आज हम लोगों ने, चपाती लगाऊंगी और दाल सब्जी तो बची हुई है दिन की, तो वो खाएंगे और मैं शौर्य ये और सो जाएंगे। अब जाके मैं वीडियो एडिट करूंगी, अभी शौर्य जो है मैडम के साथ चले गए हैं मैडम के रूम, तो वीडियो
मिलते हैं अब आपसे अगले व्लॉग में। और ये है शांति, इसमें जो है ना आग, मतलब इसमें जो ये होता है ना जो उसके नोक पे लगा है, एक टाइप का क्या कहते हैं उसको, गम जो है, गोंद जो होता है वो है ये। तो इसमें जो है ना आग मतलब लगाने की देरी है और फट करके जल जाती है, और वो भी बहुत ज़्यादा। ये तो पैक कर दिए हैं, अब हमाम को ढकती हूँ, हमाम में लगेगा जंग फिर टूट जाएगा जल्दी। इसके लिए इसको करती हूँ मैं बंद। तो फ्रेंड मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, टाटा बाय बाय।